दोस्तों आज मैं इस मैच में फिर से न्यू ट्रिक्स अपनाऊंगा। देखता हूँ ये मैच मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, फुल ट्रिक्स अपनाऊंगा। दोस्तों देखो, दोस्तों इसके पास जो प्लेयर है, देखते हैं मैं इस बैट्समैन को आउट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों पहले मैंने इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज रखना है कि मैं कैसे बोल दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस प्लेयर को ना पता है, इस प्लेयर को पता है तो ये नहीं हटेगा। तो थोड़ी आपको स्लो देनी है, यहाँ पर पहले आपको स्लो दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रन जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। पहली बॉल यहाँ पे 2 रन की गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 रन आ गए, मेरे को लगा 2 रन आएंगे। दोस्तों कोशिश पूरी रहेगी मैं मैच जीत के दिखाऊँ आपको, अपनी जो न्यू ट्रिक्स है वो अपनाऊँगा मैं इसमें। -9.5 डिग्री की बॉल दी है दोस्तों, पहली मिस हो गया इससे। दोस्तों ऐसे ही आपको यही बॉल रखनी है जब प्लेयर को थोड़ा कंफ्यूज करना है, क्योंकि हमें मैच को जीतना है। जितना स्कोर हमारे पास कम होगा उतना हम जल्दी मैच को जीत पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये वाली बॉल रख लो और यहाँ पे आपको थोड़ी सी तेज़ देनी है, ये 140 पॉइंट, मतलब आपको ये वाला एक्वा कलर लेना है। ये ज़्यादा नहीं मार पाएगा दोस्तों, 3 रन मिलेंगे इस पर, 3 रन या 2 रन मिल सकते हैं, 3 रन मिलेगा। थोड़ा ऊपर थी ना शॉट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं फिर से आया हूँ, देखता हूँ, लेकिन इस प्लेयर को थोड़ा सा मुझे डिसबैलेंस करना है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं 6 मारे। फिर से मैंने थोड़ी सी स्नोक दी, मुझे पता है ये थोड़ा प्लेयर है दोस्तों, इस पर 6 आ गए। मैं कोशिश पूरी थी कि इस पर इसको 6 ना लगाने दूँ, बट क्या करें, कोई नहीं। दोस्तों मैच को तो हमने जीतना ही जीतना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी फिर से एक एंगल बदला, लेकिन दोस्तों से भी 6 लगा दिया इसने। मैं थोड़ा अपनी ट्रिक्स पे आया तो बहुत हो गया दोस्तों, देखता हूँ क्या पता मेरी ट्रिक्स काम करेगी नहीं करेगी। स्लो देने के लिए दोस्तों, वो जानता है अगर आपने एक्वा कलर लिया ना तो दिक्कत आएगी दोस्तों, तब भी 6 लग गया। कोई नहीं दोस्तों, मैं मैच पूरी कोशिश कर दूँगा मैच जीतने की, 25 रन का टारगेट है ना, कोई दोस्तों मैं जीत के दिखाऊंगा ये मैच, कोशिश पूरी है दोस्तों। इसने जेम्स को लिया, मेरे पास गेम्स है, केन है, देखता हूँ केन के साथ मैं जीत पाऊँगा नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, ऐसे मैं इंटरेस्टिंग टेक्निक्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 4 आ गया आराम से, हाँ मुझे सिर्फ 5 बॉलों में 21 रन चाहिए, सॉरी 5 बॉलों में 20 रन चाहिए। देखता दोस्तों मेरे को, मेरी यहाँ पे 6 की डिमांड है, ये थोड़ा बॉलर घुमाएगा, मेरे को लगता है बॉल थोड़ी टेढ़ी देगा, विकटों में देगा, सीधे देने के तो चांसेस नहीं है इसके, ये यहाँ पे दे सकता है, कातना मैं दोस्तों टेढ़ी देगा बॉल। दोस्तों एंगल देखना आपको, ऑब्वियसली बात है वो टेढ़ी देगा क्योंकि वो ना घुमा रहा था, उससे लगा कि ये सीधी भी दे, मेरे को लग रहा था पहले सीधे देगा, लेकिन जब उसने थोड़ा एंगल चेंज किया ना, अब ये सीधी देने के चांसेस की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अब पता नहीं, कोशिश रही है, प्रिडिक्शन है मेरी दोस्तों, कादा ना सीधी देगा ऐसे दोस्तों, यही ऐसे ही मैच जीतना पड़ता है, बस प्रिडिक्शन करो दोस्तों आप। यहाँ पे दोस्तों अब ये थोड़ी एक स्लोअर वन देगा, उन्होंने भास्कर को दे दिया इसने, यहाँ पे ना मेरे हिसाब से तो आपको ये स्विंग दे सकता है, अगर इसका स्विंग गया तो कोशिश इसकी स्विंग देने की होगी। नहीं दोस्तों 3 रन मिलेंगे, 3 रन मिलेंगे, 19 रन। अब 2 बॉलों मुझे 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 2 बॉलों में, क्योंकि मेरे पास दोस्तों आपने देख लिया इतना तो आ ही गया है, 2 बॉलों में 5 रन चाहिए, देखते हैं क्या होगा, इस बॉल पे छक्का आएगा क्या आएगा। तीन रन, 22 रन दोस्तों, 1 बॉल में सिर्फ मुझे 2 रन चाहिए, टाई करने के लिए 2 रन और जीतने के लिए 3 रन, कोशिश पूरी रहेगी आपका भाई ये मैच जीत के दिखाए आपको। 2 रन लेते तो टाई का कुछ नहीं हुआ दोस्तों, फास्ट ही रखेगा और तो रख नहीं सकता। लो दोस्तों 6 लगा दिया सीधा आपके भाई ने, मैच जीत गया मैं दोस्तों, मैं विन हो गया दोस्तों। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ओके नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।